तो फाइनली गाइस बजाज ने अपनी दो और नए सेगमेंट की बाइकें लॉन्च करने जा रहा है, जिसका नाम पल्सर आरएस 400 एंड 200 है। ये अपने दो बाइकें लॉन्च कर रहे हैं और ये बाइक आरएस 200 है, पहले की ही तरह है, बस थोड़े मोड़े लुक चेंज किए गए हैं। और आगे के अब हेडलाइट की बात करते हैं तो लुक वाइज भी अच्छा है, हेडलाइट के साइड आते हैं तो हेडलाइट पहले की तरह इसमें देता है एलईडी लाइट और प्रोजेक्टर लाइट प्लस डीआरए लाइट देता है। लुक वाइज पहले की ही तरह आगे से फ्रंट से देखने को लगता है। अब इसके इंजन की बात करें तो इसका इंजन पहले से ज़्यादा दमदार देखने को मिलेगा और पावरफुल इंजन मिलेगा। तो गाइस इसके लाइट की बात करें तो इसमें इंडिकेटर भी एलईडी में ही देखने को मिलते हैं। और रही बात इसके हेडलाइट की, तो हेडलाइट इसमें इस बार प्रोजेक्टर लाइट विथ एलईडी लाइट और वाइट कलर में देता है, जो कि पिछली बाइकों में नहीं था। इस बार वाइट कलर में एलईडी आपको दिए गए हैं। और इसके मीटर की बात करें तो मीटर में भी थोड़े मोड़े चेंज किए गए हैं। तो गाइस इसके टॉप स्पीड की बात करें तो 180 इसका टॉप स्पीड है और 6 ऑफ गियर के साथ ये बाइक लॉन्च किया जा रहा है। तो गाइस इसके लुक की बात करें तो इस बार इसमें पूरा फुल स्पोर्टी लुक देखने को मिलेगा। एकदम लुक वाइज भाई पूरा हल्का फुल्का चेंज किया गया। और इसके मीटर की बात करें तो भाई मीटर भी इस बार पूरा इसका स्पोर्टी लुक में देखने को मिलेगा, पूरा 5 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलेगा। और इसमें नया ऐड ये किया गया है कि इसमें आपको USB चार्जर भी देखने को मिलेगा, जो कि पुराने वाले में नहीं था। जैसे कि आपको पता ही है कि बजाज अपने बाइकों में पैसे के मुकाबले फीचर्स ज़्यादा देता था, इस बाइक में फीचर्स कुछ ज़्यादा ही ऐड किए गए हैं। इसके ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो डबल डिस्क और विथ ABS चैनल के साथ आता है, डबल ABS चैनल के साथ इस बाइक को लॉन्च किया जा रहा है। अब इसके लुक वाइज की बात करें तो ये पुराने पल्सर RS की ही तरह देखने को लगता है, पर इस बार थोड़े ग्राफिक्स और इसके डिजाइन चेंज किए गए हैं, तो लुक वाइज ये देखने में कुछ ज़्यादा ही बल्कि लगता है। अब हेडलाइट की बात करें तो इसमें भी आपको प्रोजेक्टर लाइट देखने को मिलेगा। और 400 की बात करें, RS जो 400 है उसमें तो काफ़ी फ्लिप में इसके आगे के फ्रंट लाइट्स दिए गए हैं, जैसे कि R15 में आते हैं। और इसके इंजन काफ़ी पावरफुल इंजन भी दिए गए हैं। तो गाइस कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको बाइक ये लुक वाइज में कैसे लगी है। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें यह है कि लॉन्चिंग डेट पता चल जाएगा।